आज वो कीर्तन करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मुझ।
Thank you.
His Divine Grace Abhaya Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Nitya Leela Pravishta Om Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Charya Varya Ashtotra Shata Shri Shreemad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja Srila Prabhupada Ki Grantharaj Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki श्री अद्वैत सप्तमी महामहोत्सव की श्री अद्वैताचार्य प्रभु की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल पुनः सांप्रत काल में अथवा अर्वाचीन समय में आधुनिकी वेदा में
विस्तारित भाव से वितरण प्रचार प्रसारण प्रसिद्धि करने वाले कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के भी अतिशय वंदनीय चरणामुजों में लक्ष लक्ष बार प्रणतियों को संपन्न करते हुए एवं साथ ही साथ दीक्षा गुरु पाद पद्म एवं समस्त शिक्षा वर्ग प्रदर्शक श्रवण गुरु इत्यादि के पाद पद्मों में लक्ष लक्ष बार नमन करते हुए वंदन करते हुए एवं उपस्थित वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथा योग्य कनिष्ठ मध्यम उत्तम आदि तारतम्य भेद से स्वागत अभिनंदन इत्यादि करते हुए आज की अतिशय मंगलकारी परम शुभ परम पवित्र प्रातःकालीन वेला में हम श्री अद्वैत सप्तमी महामहोत्सव अद्वैत जयंती के उपलक्ष्य में श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का जो तत्व है उस तत्व के विवेचन करने का यथामति प्रयास करेंगे एवं तत्व विषय आलोचना की ओर क्रमशः परिभावित होंगे परिचालित होंगे गतिमान होंगे प्रस्थान करेंगे। तो आज की इस अद्वैत सप्तमी महा महोत्सव में भगवान श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय परिकर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। तो अद्वैताचार्य प्रभु के तत्व से अवगत होने से पूर्व हमें भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के तत्व से यत्किंचित रूप में भले ही न्यून अल्प परिमाण में तो सही लेकिन थोड़ा बहुत तो अवगत होना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं अद्वैताचार्य प्रभु के मध्यस्थ जो संबंध है एवं जो विशेष प्रेम परिपाटी वर्तमान है उन दोनों महाप्रभु एवं प्रभुओं के बीच में उस परिपाटी से भी अवगत होना पड़ेगा। तो श्री चैतन्य चरितामृत नामक महाग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु कहते हैं कि अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लैया प्रभु रचत किछुरंग। अद्वैत आचार्य एवं नित्यानंद प्रभु ये दोनों श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंग स्थानीय है अथवा अंश स्थानीय है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री भागवतीय दशम स्कंध में जो चतुर्दशमा महामंदिर पदार्पण करते हैं उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करते हुए उनका धार्मिक मार्ग प्रस्तवन करते हुए श्री ब्रह्मदेव कहते हैं ना ना नारायण अंग नरभू जलायना तच्चापि सत्यं तवैव माया। नारायण नहि सर्वदेहिनां आत्मस्य धीशां लोक साक्षी नारायण अंग नरभू जलायना तच्चापि सत्यं तवैव माया। कि नारायण तुम नहीं सर्वदेहिनां, हे श्याम सुंदर क्या वो नारायण नहीं है त्वं, क्या तुम वो नारायण नहीं हो। नारायण तुम कभी सर्वदेहिनां आत्मा असि यहाँ पे युष्म का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के सर्वनाम है, एक तो जो है नाम होता है, दूसरा सर्वनाम होता है। अंग्रेजी में कहें तो नाम को नाउंस कहा जाता है, द प्रॉपर नेम्स आर नाउंस, द प्रॉपर नेम्स आर नाउंस, बट द इनडायरेक्ट नेम्स रेफर टू इन इनडायरेक्ट सेंस दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जिसको हम कभी कभी संबोधित करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार से जैसा कहा जाता है उदाहरण स्वरूप राम कृष्ण नाम का व्यक्ति वहां पर जा रहा है, अब बार बार यदि राम कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं चिन्ह व्यक्ति हो तो कह सकते हैं कि वो वहां जा रहा है, तो जो वो है जो वह है यही सर्वनाम है, प्रोनाम जिसको कहते हैं। तो सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, युष्मत एवं अस्मत। तो अस्मत सर्वनाम हमारे लिए हम प्रयोग करते हैं और युष्मत सर्वनाम सामने वाले के लिए कि जिसके साथ बात कर रहे होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो असि और तुम यहाँ पर युष्मत शब्द का सर्वनाम है, तुम का तात्पर्य है तुम, हे कृष्ण तुम, नारायण तुम नहीं कर रहे, तुम क्या हो नारायण नहीं हो जो कि
वाक्य को बोलने में कृपा किसी का जाता है तो फिर उसको सुधार दिया जाता है। तो नारायण को नहीं सर्वदे हिनम आत्मा से दिशा के लोग साक्षी, हाँ तुम समस्त लोगों के अधीश्वर हो और समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हो, लेकिन मैंने कहा यहां पर मैं कोई गलती कर रहा हूं। इसलिए कहा कि वो जो नारायण है उसके भी बाप हो तुम, उसके भी तुम पिता हो, उसके भी तुम जगत हो, उसके भी तुम अंश हो, जब तुम स्वयं भगवान स्वयं श्याम सुंदर भजे निरंतर हो। इसलिए तो कहना पड़ा कि नारायण अंग भू जलाया जाता है, वो नारायण तो तुम्हारा अंग है। तो वहां पर अन्य शब्द का अर्थ श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जब इस श्लोक का पुनः उदाहरण देते हैं, वैन ही रीकोट्स दिस वर्स, जब वे पुनः इस श्लोक को उद्धृत करते हैं, इसका कथन करते हैं, कहां पर? श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तीसरे और चौथे अध्याय में। उस समय श्री कृष्ण दास कविराज अन्य शब्द का अंश अर्थ मान लेते हैं। यहां पर जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, वो नारायण तो तुम्हारा अंग है, तुम अंगी हो। जिस प्रकार से संपूर्ण काया, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण देह, ये संपूर्ण पंच तत्वों से बना हुआ पंचायतन, और इस पंचायतन में पृथक पृथक अंग है, जैसे दो हस्त है, दो पांव है, दो नेत्र है, दो कर्ण है, इत्यादि पृथक पृथक अंग है। लेकिन उन समस्त अंगों का जो समुच्चय है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द लिम्ब्स, उन समस्त अंगों को मिलाकर जो है रूप बनता है, जो पूर्ण आकार बनता है उसको अंगी कहते हैं। तो संपूर्ण शरीर अंगी है लेकिन उसका एक भाग अंग कहलाता है। तो यहां पर जो अंग कहा गया है हे कृष्ण, वो नारायण तो तुम्हारा अंग है, नारायण अंग मेरे गुरु जला लेना सच्चा सत्य मतलब। ये जो ब्रह्मा जी का वाक्य है यहां पर अंग शब्द का अंश अर्थ लेना चाहिए, वो नारायण तो तुम्हारा अंश है और तुम उसके अंशी हो, स्वयं भगवान हो। इसीलिए प्रतिभाग करता है, अन्य दीपों को प्रज्वलित करता है, वो जो शक्ति है वो मूल दीपक से आती है। ये तो पहला उदाहरण कृष्ण की स्वयं भगवत्ता और अन्य जो अवतार है उनकी पराधीन भगवत्ता। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, छुट्टी कर दी कृष्णस्तु भगवान स्वयं पर आप उनका स्वयं भगवान शब्द का अर्थ क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि स्वयं भगवान जैसी अन्य भगवत्ता, यानी कि स्वयं भगवान वह है जिससे अन्य भगवत्ता से होती है, परंतु जिससे भगवत्ता किसी और से सिद्ध नहीं होती, यानी कि पूर्ण आपको स्वतंत्र जिसकी भगवत्ता। और नारायण की जो भगवत्ता है श्री नारायण कामत कुलभूषण श्री नारायण की जो जो है भगवत्ता है श्री वराहमहंस नरसिंहपुर इत्यादि जो विष्णु तत्व है इत्यादि जो स्वांश है, दो प्रकार के अंश है ना भगवान के, स्वांश विभिन्न अंश जो जीवात्मा का तथा शक्ति को विभिन्न अंश है, और ये जो अवतारगण है ये जो अवतारावली समूह है ये सभी भगवान के स्वांश है, विष्णु तत्व जिनको हम कहते हैं। तो ये जितने स्वांश है ये जितने विष्णु तत्व है ये समस्त इनकी जो भगवत्ता है वो श्री कृष्ण की भगवत्ता के ऊपर आधारित है, पूर्ण तरह निर्भर है। इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान और अन्यों की जो भगवत्ता है वो स्वयं भगवत्ता न होने के कारण उनको केवल भगवान कहा जाता है, उनको स्वयं भगवान नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है यही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री चैतन्य देव के रूप में प्रादुर्भूत होता है। लेकिन इसका शास्त्रीय प्रमाण कहां पर है? कोई कुतर की पूछ सकता है, कोई कुतर की अथवा जो कभी या अहम पहले कहते हैं कि पात्र नाही पात्र विचार अन्य चार साथियों कौन है? अन्य चार साथी कौन है? श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री श्रीवास ठाकुर एवं श्री गदानंद गोस्वामी। श्री चैतन्य देव और उनके अन्य चार साथियों ने शरद गोस्वामियों के साथ मिलकर
द्वादश जो सखा है नित्यानंद प्रभु के, अभिनाम गोपाल ठाकुर और मकरेश्वर पंडित गौरदास पंडित इत्यादि जो द्वादश सखा है नित्यानंद प्रभु के, जो 64 महंत है गौरी वैष्णव संप्रदाय में, जो मूल जो चतुष्षष्टी महंत है 64 महंत, जो हर गोस्वामी है, इन सब परिकारों के साथ इन सब कमीलाओं के साथ मिलकर पंच तत्व ने जिस कृष्ण प्रेम की महानदी का प्रवाह किया उस प्रवाह के द्वारा संपूर्ण चौरा भवन में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी लोग के ऊपर नहीं और केवल भारत वर्ष में नहीं और भारत वर्ष के छोटे से प्रांत केवल गौर देश में नहीं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कृष्ण प्रेम की बात आ गई। वैसे तो गौर देश में बात आती ही रहती है, जो पश्चिम बंगाल में पूर्व बंगाल ग्रह का बात आना वो सामान्य है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम की बात थी। तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम की बाणी जो आई है उस समय कृष्ण प्रेम का दान किया है पंच तत्व ने मिलकर, लेकिन दान श्रुति कहती है, स्मृति कहती है, जो धर्म शास्त्र है याज्ञवल्क्य स्मृति है, हाई की स्मृति है, पाराशर स्मृति है, आत्म स्मृति है, मनोसंहिता है इत्यादि, ये जो ऋषि मुनियों के द्वारा रचित जो धर्म शास्त्र है जिनको हम स्मृति कहते हैं, धर्म शास्त्रों में जब दान का वर्णन आता है तो तीन प्रकार की शर्तें रखी गई है। कौन सी तीन प्रकार की शर्तें रखी गई है धर्म शास्त्रों में? सबसे पहला है पात्र का विचार, दूसरी शर्त है काल का विचार, तीसरी शर्त है स्थान का विचार। यानी कि अब यहां पर जो है कभी गड़बड़ा जाते हैं, चकमा खा जाते हैं, चकमा इस बात पर खा जाते हैं कि स्थान सही होना चाहिए दान का, पात्र सही होना चाहिए और समय सही होना चाहिए। इन तीनों में से एक भी सही नहीं है तो दान का फल देने की बजाय दान का फल न मिलना तो दूर रहा लेकिन उसका विपरीत परिणाम आता। चलो दान का फल मिलने के कोई नुकसान तो नहीं है, कोई हानि नहीं है, लेकिन दान का विपरीत परिणाम आता। धर्मशास्त्र कहता है यदि कुपात्र को दान दिया गया, यदि अयोग्य अनधिकारी व्यक्ति को दान दिया गया, किसी तरह का दान हो, भूमि का दान हो, कन्या का दान हो, धन संपत्ति का दान हो, भोजन का दान हो, किसी प्रकार का दान कुपात्र को यदि दिया गया तो वो तो यदि उस दान के द्वारा यदि वो पुष्ट हुआ तो कुपात्र तो संसार में उपद्रव मचाएगा, इसीलिए कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। सही समय में दान और सही समय में सही काल में और सही स्थान का देश काल पात्र का विचार जिसको कहते हैं संक्षिप्त में। लेकिन ये दान ऐसा है, कृष्ण प्रेम का दान ऐसा है, कृष्णनाथ सहिरा गोस्वामी कहते हैं कि जिसको देश काल पात्र का विचार भी नहीं किया गया, इस विवेक शक्ति को खो दिया। ये जो विवेक शक्ति है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, राइट थिंग प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर कैंडिडेट, ये जो सही निर्धारण करने की जो शक्ति है, निश्चय करने की जो विवेक शक्ति है, ये विवेक शक्ति से रहित हो गए ये पांचों ही तत्व नित्यानंद अद्वैत चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। और इन्होंने क्या किया? पात्र अपात्र विचार ना ही ना ही स्थान स्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान, पात्र अपात्र का विचार ही नहीं किया। जगाई ब्राह्मण जैसे वरिष्ठ पापाचारी कदाचारी दुराचारियों को पापात्माओं को उन्होंने चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पापाचारी तो सुधर सकता है, लेकिन जो अपराधी है, जो भगवत भजन का अपराध करते हैं, जो भक्ति तत्व का अपराध करते हैं, जो भक्ति महाराज के चरणों का अपराध करते हैं, जो भगवत तत्व को साकार साकार रूप से जो है मायूस कहकर, जो भगवान का अपराधी रूप है उसको प्राकृत कहकर, उसकी जो निंदा करने वाले, उसकी जो अवेदना हत्या करने वाले, जो अद्वैत वातावरण की जो मायावादी जन है, इन समस्त को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। पापाचारी को तो करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराधियों को भी प्रदान किया है। अपराध और पाप को बहुत मानता है, पाप केवल नरक में ले जाता है, अपराध भक्ति का जो दूर है उसको रद्द कर देता है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो भक्त को करने के कारण भी तैयार है, भक्तों को बहुत बार करा है, वो भी कहा भागवता निकल गए नारद जी को, भगवान कहते हैं जनाथ कृष्ण पारा बहुत सही धर्म जाने के लिए तैयार है, लेकिन भक्ति तत्व का जो भी हमारे जीवन में प्रगति अंकुरित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, वह नष्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले का तात्पर्य कृष्णा चक्रवर्ती पास बहुत बड़ा भेद कर देते हैं पाप में अपराध में, जो पाप है वो केवल सूक्ष्म और स्थूल शरीर को स्पर्श करते हैं, सूक्ष्म शरीर यानी मन की अहंकार और चित्त, और स्थूल शरीर यानी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय वाला है जो दृश्यमान शरीर है, वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को ही स्पर्श करते हैं पाप, लेकिन जो अपराध है वो आत्मा को स्पर्श करता है। तो इसीलिए
अवतार है उनको हमें दो, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज
वो जो परमनाथ पुष्कर नाम के भगवान श्री नारायण है, वो भगवान श्री नारायण से इन अनंत अवतारों को निकलने दो, क्योंकि वो समस्त अवतार आखिर में लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, असुर विनाश के लिए और धर्म प्रतिष्ठापन के लिए भी प्रकट होते हैं। वो तो अच्छा ही है, लेकिन हमें हमारा ध्यान अगर नहीं है सर्वतो भद्रः पुष्कर नामक के सर्वतो भद्रः, वो जो कुछ अवतार है भगवान श्री हरि को वो भद्र है। भद्र का तात्पर्य है वो कितनी मंगलमय है, वो कितनी शुभ है जगत के लिए और जगत के प्राणियों के लिए। लेकिन हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा अतीत को अभी नतास्तक प्रेरणा भरती। क्यों? कृष्ण स्वयं भगवान किसी का नाम की आराधना करेंगे? ना ना, ये तो एक कारण है। तो क्या कृष्ण ने जो है द्वादश रसों की अभिव्यक्ति है और अन्य अवतारों में केवल नौ और नौ रसों की अभिव्यक्ति में इसी नाम की आराधना करेंगे? कारण हो सकता है। क्या कृष्ण में वो चार असाधारण असाधारण माधुरियां हैं जिसका एक स्वामी बाबा के सामने तुमने उल्लेख करते हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी? क्या इन चार विशेष गुणों को होने के कारण, इन चार विशेष गुणों के होने के कारण जो नारायण और राम में मिल है, इस किसी बात कृष्ण की आराधना करेंगे? चलो ये एक कारण हो सकता है। कोई मुख्य कारण तो यह है कि श्री कृष्ण भजन रविंद्र श्याम सुंदर को छोड़कर अन्य कोई भी अवतार या भगवत रूप देवताओं की बात जाने लीजिए, क्योंकि देवताओं की तो बात ही नहीं जाती। यहां हम अवतारों की बात कर रहे हैं, नारायण राम इत्यादि अवतार विष्णु प्रकृति यहां बात हो रही है। कृष्ण को छोड़कर अन्य कौन से अवतार में ऐसी शक्ति है जो व्रज कुंभ में जगत की जीवात्माओं को सराबोर कर सके? जो व्रज का जो राजकृत प्रेम है और राधात्म प्रेम के आनंद के लिए जो राधानुग प्रेम है, इस राधानुग प्रेम में यानी कि व्रज के परिकरों के हृदय में जो प्रेम है, श्रीरामचंद्र इत्यादि सत्य रस के परिकर, रसाल चित्र पत्र इत्यादि वाक्य रस के परिकर, नंद यशोदा उपनंद वृषभान तीर्थिका सुंदरी नंद पौर्णमासी दुर्गा इत्यादि जो जटिला इत्यादि जो वात्सल्य रस के परिकर है, और चंद्रावली राधिका ललिता अनुप्रति मंजन इत्यादि जो श्रृंगार यानी कांतवती के जो परिकर है, यह जो व्रज के जो पार्षद है, इन व्रज के पार्षदों में जिस प्रकार की ऐश्वर्य विधि केवल संपूर्ण माधुरी प्रेम जो अति विद्यमान है, जो प्रेम विद्यमान है श्री कृष्ण के लिए, वैसा प्रेम जगत के जीवात्माओं को दिया दे सके ऐसा श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई व्यक्ति नहीं है। केवल श्री कृष्ण ही व्रज प्रेम का दान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण को व्रज प्रेम का दान किस हद तक करते हैं कि एक जो लता है ना, एक जो स्थावर जंगल और स्थावर दो प्रकार की चार और अक्षर दो प्रकार के प्राणी है, तो जो स्थावर है यानी कि सबसे निकृष्ट जोड़ी जो पेड़ पौधे वृक्ष गुण वर्षा इत्यादि जो है वो चल नहीं सकते, वो स्थान पर स्थित रहते हैं। ये जो अन्य प्राणी की जोड़ी है स्थावर तक को कृष्ण प्रेम में रमा डालते हैं, नचा डालते हैं, वैसा कृष्ण प्रेम का दान लता इत्यादियों तक को श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता, अन्य किसी अवतार में से समर्थ है। लेकिन श्री कृष्ण ही जब तक व्रजेंद्र मंडल श्याम सुंदर के रूप में प्रकट रहते हैं तब तक वो भी इस कृष्ण प्रेम का दान नहीं कर पाते। उनको अपना जो अपनी जो पोजिशन है या अपना जो आंतरिक भाव है वो पहले बदलना पड़ता। आश्रय विषय जातीय विषय विषय से आश्रय के रूप में परिणत होना पड़ता है, विषयानंदन जैसे आश्रयानंदन में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी वो कृष्ण जाके इस व्रज प्रेम का दान कर पाते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जो व्रज में है वो विषयानंदन है। रूपगोस्वामी का कहते हैं कि भक्ति दो कारणों से ही उसका भक्ति का अस्तित्व है, एक विषयानंदन और दूसरा आश्रयानंदन। तो विषयानंदन जो है वो क्या? विषयानंदन कहते हैं भक्ति जिसके लिए की जाती है, जिसको संतुष्ट करने के लिए भक्ति की जाती है, जिसको आनंदित करने के लिए, जिससे प्रेम करने के लिए भक्ति की जाती है, वो भक्ति का जो विषय है, वो भक्ति का जो खेल है टारगेट, जिसके लिए वो प्रेम रहता है भक्त के हृदय में, वो विषयानंदन श्री कृष्ण दीर्घ लाय प्रश्न। लेकिन उस
भक्ति जो स्थान में रहती है उसको आश्रय कहते हैं, यानी भक्ति को एक आश्रय चाहिए रहने के लिए, वो है भक्त का हृदय। तो भक्त के हृदय में प्रेम रहता है, लेकिन प्रेम किसके लिए रहता है? कृष्ण के लिए। तो जिसके लिए प्रेम रहता है वो आश्रय, वो विषय आलंबन, और जिसके यहां प्रेम रहता है वो आश्रय आलंबन। तो भक्त को आश्रय आलंबन है और कृष्ण विषय आलंबन। लेकिन श्री कृष्ण विषय आलंबन तब तक कृष्ण प्रेम का दान नहीं कर सकते, तब तक वैध प्रेम का दान नहीं कर सकते, तब तक राय मार्गीय प्रेम का दान नहीं कर सकते, जब तक वो अपने आप को विषय आलंबन से आश्रय आलंबन में चेंज न कर दे, यानी कि भक्त न बन जाए अपनी भगवत्ता की भावना को छोड़कर। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण भगवान निरंतर शांति पर जोड़, लेकिन अब भक्ति भाव में प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्ता कौन है? यथा राधा प्रिया कृष्ण हो तस्य गुणं प्रियं तथा सर्वगोपीः सर्वैता विष्णो रक्षं सर्वदा। पुराण भगवान व्यास ने कह दिया कि यथा राधा प्रिया कृष्ण हो, जिस प्रकार से श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार से उनका जो कुंड है राधा कुंड वो उनको प्रिय है। अब यह बात होती है कि जिस प्रकार से श्रीमती राधिका उनको प्रिय है, किस प्रकार से प्रिय है? कोई हड्डी पूछ सकता है, हमको नहीं जानते किस प्रकार से प्रिय है, किस प्रकार से प्रिय है, ये तो बताओ। हाँ कहते हैं वो भी बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, इस प्रकार से प्रिय है। देखिए संधि को मिला कर बनता है, और जब संधि को तोड़ रहे तो सा एव एका होता है। सर्व गोपीषु सा एव एका कृष्णो हो अत्यंत वल्लभा, समस्त गोपियों में वह सा, वो कौन? फिर सर्वनाम आ गया यहां पर, स्पष्ट नाम क्यों नहीं? सर्वनाम इसलिए क्योंकि बार बार राधा शब्द को बोलने की क्या जरूरत है? जब पहली लाइन में राधा शब्द आया है यथा राधा प्रिया कृष्ण हो, तो दोबारा सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है राधा जी को इंगित करने के लिए। सर्व गोपीषु सा, वो जो है सा मतलब वही राधिका जिसका हमने पहली पंक्ति में उल्लेख किया यथा राधा प्रिया कृष्ण हो। सर्व गोपीषु सा योगिका, वही जो राधा है, तात्पर्य है निश्चय, निश्चय वही श्रीमती राधिका एक ही ऐसी है, सा एव एका, निश्चय वही श्रीमती राधिका एक ही ऐसी है जो समस्त गोपियों में, सर्व गोपीषु, जो समस्त गोपियों में भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है। सर्व गोपीषु सर्वैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, अत्यंत वल्लभा का क्या बात कर रहा है? अत्यंत वल्लभा का तात्पर्य है कि जो अत्यंत शब्द का पहले तात्पर्य समझना पड़ेगा, अत्यंत का तात्पर्य है जिसके बाद और कुछ ना हो, जहां पर जो अंतिम सीमा हो, जो अंतिम सीमा हो उसी को अत्यंत कहते हैं। अत्यंत का तात्पर्य है पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स पॉइंट अंग्रेजी में, चरम सीमा जिसको कहते हैं। अत्यंत वल्लभा का तात्पर्य है श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को इस प्रकार से प्रिय है कि उनके बाद उनको होकर और कोई दूसरा उससे ज्यादा प्रिय नहीं, इसी को अत्यंत वल्लभा कहते हैं। वल्लभ का तात्पर्य प्रिय होना। तो सर्वगोपी संगता और तपश्चा को बहुत सारे श्लोक है जहां पर गोपियों का, गोपियों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की गई है अन्य भक्तों से, आदि पुराण में, भागवत में, समस्त स्थानों पर। यानी कि श्री कृष्ण के समस्त भक्तों में श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ, और श्रीमती राधिका जो कि सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की, उन्हीं के भाव को ग्रहण करते हुए स्वयं अपने आप को उन्हीं श्रीमती कृष्णानंदिनी निकुंजेश्वरी श्रीमती राधिका को स्वाधीन भक्ति का नायिका, जो श्रीमती राधिका है, जो नीलमणि को स्वामी कहते हैं, सात आठ प्रकार की नायिकाएं हैं, उसमें भी श्रीमती राधिका ने स्वाधीन भक्ति का नायिका लक्षण, स्वाधीन भक्ति का तरह की जो नायिका है उसके लक्षण देखे जाते हैं। वाम वक्र कुटिल जो गतियुक्त जो प्रेम है, सबकी गति की भांति जो कुटिल प्रेम है, मधुर स्नेह जिसको कहते हैं, वो वाम गति वाला प्रेम श्रीमती राधिका में दिखा जाने के कारण उनको स्वाधीन भक्ति का नायिका कहते हैं। तो स्वाधीन भक्ति का नायिका श्रीमती जो राधिका है, उन्हीं के भाव से स्वयं विभावित होकर श्री चैतन्य चंद्र शची रूपी गर्भ से प्रकट हुए। इसी बात को तो वहां कहा गया, कहा पर शची गर्भ से नव हरिंदु राधा कृष्ण प्रणय गर्भी शक्ति रत्मान एक आत्मा भूमिपुरा चंद्रमा तत्व राधा भाव जीव कृष्ण से
परिपूर्ण शब्द प्रभु स्वामी पाद देते हैं, यानी शकी रूपी गर्भ समुद्र में से चैतन्य चंद्र प्रभुपाद उद्भूत हुआ। जिस प्रकार से सहस्र मंथन के समय समुद्र में से चंद्र प्रकट हुआ था, वैसे ही शकी गर्भ समुद्र में से शकी गर्भ सिंधु में से गौरव यानी कि गौर चक्र प्रकट होते हैं। इंदु शब्द का चक्र है, गौरव का तात्पर्य गौर चक्र है। यहाँ पर तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हमारे आचार्य ने कहा है कि जल निज कांता कांति का देवर जल निज प्रेयसी भावन भोरो। चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है संपूर्ण ए टू जेड, उसको एक पंक्ति में ग्रंथित कर दिया हमारे आचार्य। यानी कि ये तो बड़े बड़े श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृत और अनंत कचरी चिरा, ये तो बड़े बड़े श्लोक है। श्री राधा या प्रणय महिमा, ये तो बड़े बड़े कृष्ण संस्कृत वाले श्लोक है चैतन्य चंद्र को समझाने के लिए। लेकिन चैतन्य चंद्र को समझाने के लिए ये जो बांग्ला प्रयार है वो अति सरल और सहज है, सुगम है, बहुत वक्त है। वो कौन सा? जय निज कांता कांति करोर जय निज प्रेयसी भावन भोर। जो अपनी निष्ठा तात्पर्य है अपनी, जो अपनी स्वकीया जो कांता है, कौन? श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका आह्लादिनी शक्ति की घनीभूत स्वरूपा होने के कारण और आह्लादिनी शक्ति के पति श्री कृष्ण होने के कारण श्री कृष्ण की अपनी निज कांता है श्रीमती राधिका। जय निज कांता, अपनी निज कांता की कांति से जिनका कलेवर प्रतिभाषित हो रहा है, यानी कि अपनी कांता जो श्रीमती राधिका है उनका उनका कलेवर कैसा है? श्रीमती राधिका का जो देह है, उनका जो कलेवर है, उन कलेवर का तात्पर्य उनकी जो अंग क्रांति वो कहती है सप्तकांचन गौरांगी राधवृंदावेश्वरी चतुरानुपदेवी प्रणामी हरिप्रिया। सप्तकांचन गौरांगी जो सोना है, जो सुवर्ण है, जो हेम है, जो कांचन है, उस कांचन को जब पिघलाया जाए तप्त, उसको अग्नि में जब तप्त किया जाए और उस पिघला हुआ सोने की जो आभा होती है, मोल्टन गोल्ड अंग्रेजी में, पिघला हुआ सोने की जो आभा होती है, वैसी ही आभा श्रीमती राधिका की अंगता की है सप्त कांचन गौरांगी। इसलिए राधिका को गौर अंगी वाला, गौर अंगी यानी कि जिनके जिनका जिनके अंग स्वर्ण की कांति के समान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वह कृष्ण है, ऐसे कृष्ण है जो अपनी निज कांता श्रीमती राधिका की उस कांति को लेकर जिनका कलेवर वैसा नहीं हो चुका, यानी कि श्रीमती अपनी कांता उनका जिनकी जो कांति है गौर करने वाली जो कांति है उसी गौर करने वाली कांति से जिनका अपना कलेवर ढका हुआ है। खुद तो कृष्ण है और कृष्ण का जो कलेवर है वो तो श्याम वर्ण का है, लेकिन श्याम वर्ण वाले कृष्ण अपनी प्रेयसी अपनी प्रियतमा कांता राधिका जी के वर्ण से ढक लिए गए हैं, ढके गए हैं, आवृत हो गए हैं। इसीलिए मंत्र व्याकरण सत्य सुंदर की टीका में कहते हैं कि प्रेयसी स्पृशा जगत्वं तु बोध्यम्। ये जो भागवत ने श्री प्रहलाद महाराज जी ने जो कहा है इनकी स्तुति में, नरसिंह भगवान की स्तुति में, कि उत्थम मृतर्य धृष्टेर वशावतारयो लोकानुभावो विभूति जगत् प्रतीतान् धर्मं महापुरुष भगवान आप तीन युगों में तो खुले होते प्रकट होते हैं अपनी भगवत्ता को दिखाते हुए, सत्ययुग में त्रेतायुग में कलयुग में, सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापरयुग में, लेकिन कलयुग में आप अपनी भगवत्ता को दिखाते हुए प्रकट नहीं होते। प्रकट होते हैं लेकिन अपनी भगवत्ता को दिखाते हुए प्रकट नहीं होते, किसी का ढके हुए रूप से प्रकट होते हैं। आप प्रचंड रूप से प्रकट होते हैं कलयुग में त्रियुगों सत्वम छत्र कलम जन भगत त्रियुगों सत्वम। यह भागवत का श्लोक है कि आप केवल कलयुग में छत्र रूप में छत्र छत्र का तात्पर्य ढके हुए रूप में आवृत रूप में, ये ढके हुए रूप में क्यों कहा गया? क्योंकि अपनी प्रेयसी प्रियतमा की कांति के द्वारा ढक लिए गए हैं, उनकी अपनी कांति को श्याम वर्ण की है, लेकिन वो श्याम वर्ण की कांति अपनी प्रेयसी की जो गौर वर्ण वाली कांति है उससे आवृत कर दी गई है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में छन्नावतार है। छन्नावतार क्यों बनाते हैं? एक तो भगवत का भाव लेने, भगवत का
ये तो आंतरिक छंदता है। और बाह्य छंदता क्या है? बाह्य छंदता है कि जो बाह्य वर्ण है श्याम वर्ण, वह भी अपनी प्रेयसी के गौरव वर्ण के द्वारा ठग लिया गया है। इसमें दोनों प्रकार की छंदता है, आंतरिक छंदता है भाव में और बाह्य अंधकार की मेरी छंदता है, दोनों प्रकार से ढके हुए हैं। तो यही जो गौर छंद है, जय मृत कांता कर्म करने वाले अपनी कांता की कर्ति से चिंता करे और समझ भाषिता है, जय मुझे प्रेयस भाव है, और जो अपनी प्रेयसी के मानव प्रजानक महाभाव से स्वयं में दूर हुए हैं, दोनों ही प्रकार के आंतरिक और बाह्य। तो अब यहां पर प्रमाण इसका देते हैं, यह तो श्रीमद् भागवत जी कहता है, कृष्ण कृष्ण सर्वपाल प्रकार पर बने रहता है। लेकिन यहां पर अन्य संप्रदाय वाले कह सकते हैं, केवल मायावादी की बात छोड़ दीजिए, उनको तो इसकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन जो अन्य वैष्णव संप्रदाय जो है इस मामले में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जिस प्रकार से श्री वैष्णव है, कुरान वाले हैं, रुद्र वाले हैं, यानी कि जो चार अन्य जो तीन वैष्णव है। सोलह वैष्णव रंगमंडित जो है श्री संन्यास में
वही अनुभव सन्यासी का वेश धारण करके वैष्णव दंड से अपनी भुजा को मंडित करते हुए अलंकृत करते हुए निसंदेह को पा लगा। व्यासदेव जी कहते हैं इस मामले में कोई शक नहीं रहा है। व्यासदेव जी कहते हैं मैं स्वयं धर्म समाज उपयोगिता करना चाहता हूँ, दुष्ट पुरुष से मुक्त स्वयं नारायण का अनुसार हूँ। यदि मेरी वाणी में विश्वास है निसंदेह को पा लगा है, निसंदेह बिना किसी संदेह के वही श्री कृष्ण को पा लगा है। अब आए हुए हैं कहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि भारत वर्ष में पृथ्वी पर आए हुए हैं चैतन्य रूप महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भी बहुत सारे स्पष्ट प्रमाण है तो उनकी कभी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तो कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उन स्वयं भगवान कृष्ण ने चार अन्य पत्र के साथ मिलकर मुक्त भाव से शास्त्र विचार रहित होकर इस कृष्ण प्रेम की महारत्ना का जो वितरण किया है उसमें उन्होंने सब मर्यादाएं को भुला दिया। शास्त्र विचारणा ही जहां करते हुआ भंडार उजाड़े आश्चर्य भंडार उजाड़े समस्त मर्यादाओं को छोड़ दिया और जो व्यक्ति जहां गिरा उसको वही से उसको जो है प्रेम का दान कर दिया है। और तो आश्चर्य क्या है कि उन्होंने भंडार को बड़ी गर्मी से और शिष्टाचार को खोला हो, कृष्ण प्रेम का जो भंडार है उस कृष्ण प्रेम के भंडार को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सभ्यता से और शिष्टाचार से खोला हो, उसकी कपाट का कपाट को उभारा हो, ऐसा नहीं है। उस भंडार को जिस तरह से जो फायरक्स होते हैं, जिस प्रकार से जो लूट करने वाले जो डकैत होते हैं, वो जिस प्रकार से किसी भंडार को तोड़-फोड़ कर डालते हैं, शिष्टता से उसको तोड़ डालते हैं, उसी प्रकार से मिलता है चैतन्य महाप्रभु और उनके अन्य चार साथियों ने पंच तत्वों ने कृष्ण प्रेम के भंडार को उतारा है, तोड़ के उसको लूटा है और उस भंडार को उजाड़ दिया। लेकिन आश्चर्य क्या है, यदि कोई भौतिक संपत्ति होगी तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन आश्चर्य क्या है कि भंडार को जैसे जैसे उस भंडार में से कृष्ण प्रेम की अमूल्य मूल्य को निकालते गए, वैसे वैसे जितने परिवार में कृष्ण प्रेम के अमूल्य मूल्य को निकालते गए, उस परिमाण में से निकालने वाला जो परिमाण है, निकलने वाला जो परिमाण है, उस निकलने वाले परिमाण से सौगुणा कृष्ण प्रेम बढ़ता ही गया। ये तो आश्चर्य है सबसे बड़ा कि जितना निकालने जाए उतना वो बढ़ता जाता है, उससे तरह की न्यूनता नहीं आती। लेकिन फिर इतिहास की सब कुछ है, लेकिन इनको छोड़कर अपनी बनाई हुई पद्धति
उनके द्वारा सिखाया जाए इन्हीं विषयों को, यही जो पाश्चात्य शैली है, इसीलिए इन्होंने हिंद को छोड़ डाला। लेकिन हम बात कर रहे हैं 700 वर्ष पहले की, जब यहाँ पर युद्ध जाएगी नहीं थे और उस समय संपूर्ण भारत में स्कूल कॉलेज में भोजन समझा जाता और कुछ था नहीं वहां। इसीलिए और जानो क्षेत्रीय भविष्य ये तीन ही मौके पढ़ा करते थे इन दो बोलो में वेद से जो है समस्त विषय का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो उस समय जो नवद्वीप था वह विद्यार्थियों का घर था, जो विद्यार्थियों का घर था नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल गौरदेश का। और भारत में तीन या चार ही विद्यार्थी केंद्र थे, एक तो था मिथिला बिहार, दूसरा था नवद्वीप पश्चिम बंगाल, तीसरा था काशी उत्तर प्रदेश और चौथा दक्षिण प्रदेश रंगेली। ये तीन या चार ही बड़े बड़े केंद्र थे विद्या के संपूर्ण भारत में, कि जहां पर हर विषय की शिक्षा मिलती थी। गोकुल प्रणाली के आधार पर न्याय हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, समस्त विषयों के वहां पर जाते, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, धर्म संबंधी समस्त विषयों की वहां पर जो शिक्षा दी जाती थी। फुल ग्रेज और हमारे बड़े का तक्षशिला जो आज तक पाकिस्तान में चला गया था भारत में, तीनों तक्षशिला है, तीन समस्त चार पांच गर्व की विद्या थे, उसमें से नवद्वीप एक गर्व था। तो नवद्वीप गर्व है, वहां पर विद्यार्थियों की भरना रहती थी, इसलिए कहते हैं कितने विद्यार्थी ताकत प्रकृति वाले होते थे, कितने भक्तों का और भक्ति मारना वालों का मजाक उड़ाया करते थे, ग्रीन हो जाते थे, मायावादी इन लोगों ने चलाया किया। कृष्ण प्रेम की जो महामंडा है जब प्रमाणित होती गई तो मायावादी उसे दूर भाग गई, यानी शंकराचार्य का जो अद्वैत मत है उसकी मतावलंबी। उसके बाद जो कर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ यानी पूर्व मीमांसा कर्म, जैन की जो पूर्व मीमांसा है कर्मकांड दर्शन जिसको कहते हैं, जो कर्म चक्र जो स्वांत ब्राह्मण थे, केवल कर्मकांड में नहीं आता सकाम कर्म में आता, वो जो कर्मनिष्ठ लोग हैं वो आदि दूर भागे। कुतार्किक जो केवल तर्क शुष्क तर्क वितर्क करने नहीं, तर्क के लिए जो तर्क करने वाले हैं, सत्य के लिए तर्क नहीं, तर्क के लिए जो तर्क करने वाले हैं, ऐसे लोग भी भागे। निंदा और जो भक्तों की निंदा करने वाले हैं वो भागे। पाषंडी जो पाखंडी धर्म के लिए ढोंगी है वो भी वहां से भागे। और पंडिया पंडिया यानी ये जो विद्यार्थी लोग हैं गुरुकुलों में पढ़ने वाले, जो कि तात्विक प्रकृति के होते थे, वो भी वहां से दूर भागने लगे। सही समय महापक्ष धाइया पलायी सही मंडिया का सवाल झूठे डाले, वहां इतने महादक्ष लोग थे, इतने कुशल लोग थे, विद्वान लोग थे, कि वह ये जैसे जैसे बाढ़ आती है उनके पीछे पीछे कृष्ण बाढ़ आती है ना रवि जी के लोग भागते हैं, तो बाढ़ आती है वो दूर भागते गए और ये बात उनको छोड़ नहीं सकी। लेकिन अंत में जाकर चैतन्य चंद्र ने उस उन लोगों को भी कृष्ण प्रेम की बारे में निमंत्रित कर भी दिया। ये निष्कर्ष निकलता है तो कहने का तात्पर्य यह है जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने पंच तत्व के साथ मिलकर, और पंच तत्व में दो सबसे मुख्य है नित्यानंद और अद्वैत, इसलिए प्रसाद परिवार कहते हैं अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु चत्र की चुरंग। प्रभु ने जितने भी विधाएं की है उसे वो तत्व और नित्यानंद को लेकर की है। इसलिए भागवत में जो कहा ना कृष्ण ब्रह्म सिखा कृष्ण सागर प्रकाश कि वह भगवान कृष्ण अपने अणु उपायु अस्त्र और पार्षद चारों के साथ प्रकट हुए। तो सबसे सुंदर की समझ वाले नीति वाले जी बताए गए तो है कि अस्त्र है भाई राम, इस अवतार में अस्त्र सूर्य चक्र नहीं है, धनुष बाण नहीं है, इस अवतार में अस्त्र है भाई राम। इस अवतार में पार्षद कौन है गोविंद राजरामानी सोम दामोदर शब्द स्वामी इत्यादि का आसन है। इस अवतार में पुतांग कौन है गदाधर पंडित गोस्वामी और श्रीवास ठाकुर, और इस अवतार में अंग कौन है नित्यानंद और अद्वैत। तो अंग का तात्पर्य अंश माना गया, तो अद्वैत आचार्य जो है तो कहते हैं कि ये जो दो है वो तो प्रभु है नित्यानंद और अद्वैत, ये दो तो प्रभु है, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। अद्वैत आचार्य कौन है वो भी विष्णु तत्व है, नित्यानंद प्रभु भी विष्णु तत्व है और चैतन्य महाप्रभु भी विष्णु तत्व है। ये तीन शक्तिमान तत्व शक्तिमान वो कहते प्रतिपद, और जो गदाधर पंडित गोस्वामी है वो शक्ति है और श्रीवास ठाकुर की शक्ति है। श्रीवास ठाकुर जीवात्मा तटस्था शक्ति, गदाधर पंडित गोस्वामी आह्लाद की शक्ति अंतरता शक्ति है, श्रीमती राधिका का फल। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि है जीवात्मा तटस्था शक्ति, राधिका जी आह्लाद की शक्ति वो अंतरता शक्ति गदाधर पंडित गोस्वामी, ये दोनों शक्तियां होंगी तटस्था और अंतरता के भेद से। और नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री भगवान है, श्री भगवान गोपाल मूल
उत्तर है कृष्णा प्रजा कहते हैं राजा चाचा ने प्रभु स्वयं चारों कक्षाएं महाविष्णु है तो कारण कक्षाएं महाविष्णु और भगवान ये दोनों विष्णु तत्व है और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है तीन विष्णु तीन शक्तिमान है और दो शक्ति है इस तरह से मिलती तत्व को बनता है। तो अब यहां पर अद्वैत आचार्य प्रभु का जो तत्व है वो बताया जा रहा है कृष्णदास प्रजराज गोस्वामी श्री चैतन्य चैतन्य आदि लीला प्रथम अध्याय के बाद ही और पूर्व श्लोक में क्या कहते हैं अद्वैताचार्य जगत की रचना करने वाले कौन से जगत महाविष्णु कौन से जगत की रचना करता है तीन जगत है भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत है और तटस्थ जगत है। तटस्थ जगत यानी ऊर्जा नदी यानी कारण समुद्र जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के बीच है और भौतिक जगत यानी अनेकानेक ब्रह्मांड मिलकर एक भौतिक जगत बनता है और वह अनेकानेक ब्रह्मांड की एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड ही होता है और वो अनेकानेक ब्रह्मांड जिसमें जिसके अधिष्ठात्री देवी कौन है भगवती दुर्गा यह जो महामाया का जो जगत है प्रपंच जिसको कहते हैं संसार त्रिगुणात्मक जो जगत है उसको भौतिक जगत कहते हैं। इसके आध्यात्मिक जगत के बीच में तटस्थ जगत है काल समुद्र विद्या नदी और तटस्थ जगत की उस पार आध्यात्मिक जगत है जिसके अनेकानेक वैकुंठ समुद्र है दोनों संसारों में इत्यादि जिसको चिताकाश कहते हैं आध्यात्मिक चिन्मय आकाश पर योग जिसको कहते हैं। तो महाविष्णु इन तीनों में से कौन सी जगत के रचयिता है महाविष्णु जगत करता महाविष्णु जगत की करता है लेकिन कौन से जगत के करता है तपस्थ जगत के आध्यात्मिक जगत के या भौतिक जगत के तो कहते हैं तीन में से दो जगत के करता है आध्यात्मिक जगत के तो करता महाविष्णु हो नहीं सकते क्यों क्योंकि महाविष्णु परमात्मा परमात्मा तीन प्रकार के हैं इसीलिए तो सात्विक तंत्र में नारद मुनि क्या कहते हैं नारद सात्विक तंत्र जो है सात्विक तंत्र में नारद मुनि ने कहा है कि विष्णु कि विष्णु के तीन रूप है कारण रक्षाई गर्भरक्षाई और क्षेत्र रक्षाई उसमें जो प्रथम है कारण रक्षाई वो कारण समुद्र में रहते हैं दूसरे जो गर्भरक्षाई है वो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो गर्भोदक समुद्र है उसमें बात करते हैं भौतिक जगत का जो प्रत्येक ब्रह्मांड है उस प्रत्येक ब्रह्मांड का जो गर्भोदक समुद्र है उसकी गर्भोदक्षाई का बात है और फिर जो क्षीरोदक्षाई है वो प्रत्येक ब्रह्मांड की जो क्षीर सागर का वहां पर बात करते हैं। तो ये तीनों जो है पुरुषार्थ और पुरुषार्थ ही परमात्मा है यानी परमात्मा तीन प्रकार के कारणोदक्षाई भी परमात्मा है क्षीरोदक्षाई भी परमात्मा है गर्भोदक्षाई भी परमात्मा है। अब ये तीनों ही भगवान नहीं माने जा सकते क्यों क्योंकि भागवत के अनुसार परतत्व तीन प्रकार का एक निर्विशेष निराकार ब्रह्म ये परतत्व का पहला रूप परतत्व का दूसरा रूप है परमात्मा अंतर्यामी और परतत्व का तीसरा रूप है सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान और ये तीनों ही प्रकार के परतत्वों का मूल है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो जो नारायण है वैकुंठ में निवास करने वाले आध्यात्मिक जगत में चतुर्भुज चंद्र कला ब्रह्मधारी रमानाथ जो नारायण है ये रमानाथ रमेश कमलेश भगवान श्री नारायण ये तो सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है और इनसे निकलने वाले भक्त के महाराज प्रतिनिधि आदि ये भी सभी भगवान है लेकिन जो क्षीरोदक्षाई गर्भोदक्षाई और कारणोदक्षाई है ये तीन परमात्मा ये भगवत ये भगवान श्रेणी के नहीं आते परमात्मा की श्रेणी में आते और जो निराकार ब्रह्म ज्योति है वो परमात्मा और भगवान दोनों की श्रेणी में नहीं आती वो ब्रह्म की श्रेणी में आती है। तो परतत्व तीन रूपों में प्रकट होता है वरन की तत्त्व तत्व यह परमात्मी भगवान की शक्ति तो कहने का तात्पर्य है महाविष्णु कारण और सर्वविष्णु भगवान नहीं परमात्मा ये परमात्मा होने के कारण इनका आध्यात्मिक जगत से कोई संबंध है ये केवल भौतिक जगत के लिए ही इनकी ड्यूटी लगाई गई। श्री कृष्ण ने तीनों ही प्रकार की जो परमात्मा है कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई तीनों प्रकार के परमात्माओं को श्री कृष्ण चंद्र ने केवल भौतिक संसार के लिए प्रकट किया आध्यात्मिक के लिए
आचार्य के जैसे परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। भगवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा मालिक जगत संबंधी मालिक संबंध प्रचुर भगवत अंश विशेष ये कहा है जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में और परमात्मा संदर्भ में। जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा भगवान नारायण का वो रूप विशेष है जो मालिक जगत के साथ जिसका गाढ़ संबंध है, यानी कि मालिक जगत को उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न होने के बाद उसका पालन करने के लिए ही भगवान कारण रक्षाई गर्भ रक्षाई और क्षीर रक्षाई में तीनों की आवश्यकता केवल इसी कार्य के लिए भौतिक जगत के लिए। और भौतिक जगत में निवास करने वाली जो तीन भौतिक जगत में निवास करने वाले जो जो जीवात्मा है, जो नित्यबद्ध जीवात्मा है, उन नित्यबद्ध जीवात्माओं के द्वारा किए जाने वाले शुभ और अशुभ कर्मों का साक्षी होना, उन भौतिक जीवात्माओं के द्वारा किए जाने वाले जितने भी शुभ और अशुभ कर्म है, जितने भी पाप और पुण्य कर्म है, उन पाप और पुण्य कर्मों को देखते रहना। यानी परमात्मा का जो काम है, परमात्मा का जो उपयोग है, वो केवल भौतिक जगत के लिए, भौतिक जगत की जीवात्माओं के ऊपर ध्यान रखना, उनके ऊपर निरीक्षण करना और भौतिक जगत का पालन करना और भौतिक जगत को प्रकट करवाना, माया के ऊपर दृष्टिपात करते यही काम है परमात्मा का। इसलिए जो तीनों प्रकार के परमात्मा है वो केवल भौतिक जगत के संबंध में ही काम करते हैं, आध्यात्मिक जगत में उनकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। इसी के कारण रक्षाई महाविष्णु है वो तटस्थ जगत जहां वो स्वयं निवास करते हैं, कारण तटस्थ जगत, उस तटस्थ जगत के रचयिता और तटस्थ जगत के उस पार जो भौतिक जगत है, ये दो जगतों के रचयिता कारण रक्षाई महाविष्णु है। ताकि जो आध्यात्मिक जगत है उसकी रचना उसका प्रागत्य कारण रक्षाई महाविष्णु के द्वारा नहीं होता, इसीलिए महाविष्णु जगत करता कारणवशाली महाविष्णु के ऊपर जगत करता माना गया है, केवल दो जगतों के करता है भौतिक और तटस्थ। माया नहीं सत्य रहा और अपनी जो महामाया शक्ति है त्रिगुणात्मिका सत्वरज तमोरूपा जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के द्वारा जो भौतिक जगत का सृजन करवाते हैं, स्वयं जो सृजन नहीं करते, खुद जो सृजन नहीं करते, इसीलिए जिनका भौतिक जगत के साथ संबंध तो है लेकिन शिव ब्रह्मादि की भौतिक प्रत्यक्ष बन रही है, अप्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि शिव ब्रह्मादि को माया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त है। शिव की भगवती दुर्गा जो महामाया सिंधवाहू, लेकिन भगवान नाथ भगवान कारण रक्षा महाविष्णु का उस सिंधवाही भगवती महामाया दुर्गा के साथ अप्रत्यक्ष संबंध है। कारण रक्षा महाविष्णु पहले अपनी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और लक्ष्मी उस नारायण के दृष्टिपात को फिर देखती है भगवती दुर्गा के ऊपर, सीधा नहीं देखते कारण रक्षा महाविष्णु, सीधा नहीं देखते भगवती दुर्गा के ऊपर, माया के ऊपर सीधा दृष्टिपात नहीं है, इसलिए माया के साथ इसका संबंध तो है लेकिन शिव ब्रह्मा आदि की भांति संबंध नहीं है। इसलिए जो हमारी प्रभाव हो गया माया रोमानस्य न योगतया सह आत्मना रमया रेयो त्यक्त कालम सिद्धया रो संहिता कहता कहती है कि माया के साथ सीधा संपर्क नहीं कारण रक्षाई का, लेकिन फिर भी संपर्क है। तो यहां माया के द्वारा जो सृष्टि करवाते हैं भौतिक जगत की, उन्हीं महाविष्णु के अवतार है ये अद्वैत आचार्य, इसीलिए अद्वैत आचार्य जीव तत्व न होकर ईश्वर है। तस्याय कार्य निवार अद्वैत आचार्य ईश्वर है और दूसरा श्लोक कृष्णदास कविराज लिखते हैं अत्यंत आचार्य भक्ति संसार भक्तावतार अद्वैताचार्य इनको अद्वैत आचार्य कहते क्यों है? अद्वैत आचार्य ये दो शब्द है उनके नाम, एक अद्वैत शब्द है एक आचार्य शब्द है, अद्वैत उनका नाम दो दो शब्दों से बना हुआ है, कि दोनों शब्दों का अर्थ क्या निकलता है, क्या इन शब्दों की कोई सार्थकता है? हाँ सार्थक है। किस प्रकार से अद्वैत इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान हरि यानी जो कारण रक्षा विष्णु है इनसे इनका अद्वैत है। द्वैत कहते हैं भेद को, पृथकता, अलगाव, अलगाव का जिसको कहते हैं अलगाव सेपरेटिज्म, और अद्वैत कहते हैं यूनिफिकेशन तादात्म्य। जब दो व्यक्ति अद्वैत अद्वैताचार्य कारण और रक्षा महाविष्णु ही होते हैं,
ये यहाँ पर इसका अद्भुत ज्ञान एक उदाहरण है किसी वजह से अद्भुत शब्द है और आचार्य भक्ति शब्द को अद्वैत शब्द की सार्थकता है। लेकिन आचार्य शब्द की सार्थकता क्या है? आचार्य हमको इसलिए कहते हैं कि स्वयं कारण लक्षण का नाम कृष्ण होने पर भी और जो है वो भी पत्रकार से लेकर प्रकट हुए हैं। कारण लक्षण मनुष्य भक्ति लगा तो भगवत भाव है, लेकिन कारण लक्षण मनुष्य में ईश्वर भाव है तो वो कारण लक्षण मनुष्य भी अद्वैत आचार्य है लेकिन वो ईश्वर भाव को छोड़ कर प्रकट हुए हैं भक्त भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की भक्तभाव को स्वीकार करते हुए प्रकट हुए हैं वैसे अद्वैत आचार्य भी कारण लक्षण विष्णु होते हुए भी ईश्वर भाव का त्याग करके भक्तभाव को स्वीकार करते हुए प्रकट हुए और भक्तभाव को स्वीकार करते हुए प्रकट हुए। इसलिए भक्ति का स्वयं आचरण करके अन्य को भक्ति का मार्ग दिखाते भी है और सिखाते भी है। इसलिए अन्य को भक्ति का मार्ग दिखाने और सिखाने के कारण इनको आचार्य भी कहा गया। क्योंकि आचार्य किसको कहते हैं? वायु पुराण कहता है स्वयं के शास्त्रों का अध्ययन करके उन शास्त्रों के सार का जो ग्रहण करता है आचार्यों की यह शास्त्र 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 के अनेक प्रकार के वाक्यों को भली भांति समझ बुझ कर उनका मनन करके उनका मनुष्यार्पण करके उनका मंथन करके तत्पश्चात जो शास्त्र मिलकर जो सार को चुनता है आचार्यों की शास्त्र का जो चयन करता है और उस सार का चयन करने के बाद जो उस सार को अपने आचरण में रखता है केवल पढ़ाई लिखा गया नहीं उसको अपने आचरण में रखता है और केवल आचरण में रखना नहीं फिर आचरण में रखने के बाद अन्य भी ऐसा करवाता आचार्य स्थापित करते हैं स्वयं आचरण के असमान आचार्य इंतन कार्य करने वाला लेकिन शास्त्र ज्ञान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इन्हें सबसे पहले शास्त्र ज्ञान उसके बाद शास्त्र ज्ञान के अनुसार स्वयं आचरण उसके बाद अन्य से ऐसा आचरण करवाना इसलिए मूल जो देखिए वो शास्त्र ज्ञान है। तो मूल से आचार्य कहते हैं तो अद्वैत आचार्य स्वयं भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तत्पश्चात तदनुसार आचरण करते हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि पालन भक्ति लोग का आचरण करते हैं और तत्पश्चात जब अपनी स्वयं में अपनी शाला में जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो गीता और भागवत के ऊपर प्रवचन करके विद्यार्थियों को भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। कोई बात नहीं इस प्रकार के विद्यार्थियों को भी भक्त बनाते हैं इसी योग को आचार्य कहा गया है। तो अभी जो कई तरह की गोस्वामी के द्वारा रचित जो गौरव दृष्टि टीका है उसके ग्यारह श्लोक है क्योंकि यहां पर थोड़ा मतभेद हो जाता है। कृष्णा कल्याण गोस्वामी अद्वैताचार्य को महाविष्णु का अवतार मानते हैं कारण रक्षा विष्णु का और इधर परिचयपुर गोस्वामी अद्वैताचार्य को श्री सदाशिव का अवतार मानते हैं लेकिन वो जो सदाशिव है वो ये शंकर है पार्वती पति ये जो सदाशिव है वो भगवान विष्णु का एक रूप है। भगवान विष्णु के चौबीस रूप हयशीर्ष पंचरात्मि जिसका उपयोग है और जिसका विवरण चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय वाराणसी काशी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया गंगा जी के हयशीर्ष पंचरात्म श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धरण दिया है। हयशीर्ष पंचरात्म कहता है कि 24 प्रकार के विष्णु हैं 24 प्रकार के विष्णु में 24 प्रकार के विष्णु में से जितने भी 24 है वो सभी चार बुला वाले हैं और उन सभी के साथ में शंख चक्र तलाव पर रहता है लेकिन क्रम में अंतर हो जाता है। किसी के ऊपर वाले दाहिने हाथ में शंख रहता है तो किसी के ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र रहता है। इसमें से क्रम भेद आयुधों के धारण में क्रमभेद होने के कारण 24 अलग अलग विष्णु हो जाते हैं। तो 24 विष्णु में से एक विष्णु है सदाशिव। इसलिए आप श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रकाशित जो प्रथम स्कंध है भागवत का उसके आवरण पृष्ठ को आप देखिए नीले नीले रंग का है चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो नीले रंग का आवरण पृष्ठ है और आवरण पृष्ठ में तो गोल गोल तीनों तीनों जो है गोलाकार बनाए मंडल बनाए गए हैं पूरे मुख पृष्ठ में और एक एक मंडल में एक एक विष्णु बैठे हुए हैं और प्रत्येक विष्णु के नीचे उनका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो ये 24 विष्णु है इनमें से एक विष्णु है सदाशिव नाम के ये शंकर नहीं है ये विष्णु ही है लेकिन उनका नाम सदाशिव है। ये धारण करते हैं चंद्र चक्र लगा है ये त्रिपुर नहीं लगा तो उनको पुत्र लगा है पर विष्णु है और इनका केवल नाम सदाशिव रखा गया है। ये ही तो सदाशिव नाम के विष्णु है इनके अवतार अद्वैत आचार्य है ऐसा मत होगा इनका अनुकूलता। और कृष्णा कविराज कहते हैं कि जो कारण रक्षा नाम के महाविष्णु है उनके अवतार अद्वैत आचार्य दोनों
संभव है। कारण अक्षय महाविष्णु और जो सदाशिव नाम के विष्णु है दोनों में ही मिलकर अद्वैताचार्य के रूप में दोनों प्रकट हुए। यही जो इसका निष्कर्ष होगा, दोनों मिलकर दोनों प्रकार के जो विष्णु है वो मिलकर पूर्व अद्वैताचार्य बनते हैं, ये जो है निष्कर्ष निकाला गया है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो कहते हैं कि महाप्रभु आय प्रभु प्रभु से महाप्रभु चरण ये तो यदि का कार्य तो ईश्वर है और विद्यार्थ भी ईश्वर है बदलाव होने के कारण, लेकिन ये जो है जब महाप्रभु के सामने आते हैं तो अपने ईश्वर का रूप खो देते हैं और महाप्रभु के सामने अपने आप को भक्त मानते हैं और महाप्रभु को ही ईश्वर मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंश जब अंश के सामने आएगा तो विनम्र हो जाएगा। नारायण हो चाहे कार्य अच्छा विष्णु हो चाहे राम कितना कोई भी हो, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने आएगा तो विनम्र हो जाएगा, अंश अंशी के सामने आने पर विनम्र हो जाता है। तो इसीलिए महाप्रभु केवल कृष्ण चैतन्य देव है और नित्यानंद रघुवंश दोनों यज्ञ की ईश्वर है, लेकिन तथापि महाप्रभु के सामने दोनों केवल प्रभु बनके रहते हैं, उनके दास बनके रहते हैं और उनके चरणों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रचित जो उत्तम कल्प है, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि अद्वैताचार्य ही एक ऐसे व्यक्ति है कि जिनके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव एकदम अतिरोभाव हुई। अद्वैताचार्य ही वही कारण है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करवाया। अब यहां पर प्रश्न होता है कि अद्वैताचार्य मूल कारण कैसे है? मूल कारण तो महाप्रभु की अपनी इच्छा है, कृष्ण की तीन इच्छाएं अधूरी रह गई। श्री राधा राम प्रणय महिमा की दृशा, राधा की जो प्रेम माधुरी है वो कैसी है ये जानने के लिए, दूसरा राधा मेरी जिस मधुरिमा का आस्वादन करती है वो मेरी मधुरिमा कैसी है, और तीसरा मेरी मधुरिमा का आस्वादन करने के साथ राधा जी को जैसा आनंद मिलता है वो आनंद कैसा है। इन तीन इच्छाओं को जानने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य चंद्र बने राधा जी का भाव लेकर, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो मूल कारण है महाप्रभु के प्रकट होने का, उनकी अपनी कुछ इच्छाएं थी जिनको पूरी करने के लिए वो प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई एक निमित्त तो चाहिए। जैसे कृष्ण है, कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं द्वापर युग में, लेकिन फिर भी कोई तो कारण तो होना चाहिए। तो जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं उनसे पहले देवता गण जाके स्तुति करते हैं क्षीर सागर में कि आप प्रकट हो जाएंगे, उसी प्रकार से यद्यपि कृष्ण की तीन इच्छाएं हैं जिनको पूर्ण करने के लिए वो चैतन्य चंद्र के रूप में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहाना चाहिए, एकदम से नहीं आते हफ्ते को बहाना होना चाहिए, हम क्यों आए भाई, किसी ने आमंत्रण दिया इसे भी आए, ये जो है सिस्टम होता है। अरे भले ही अपना निजी स्वार्थ है प्रकट होने में, कृष्ण का अपना निजी स्वार्थ है, लेकिन फिर भी बिना आमंत्रण के आमंत्रण होना चाहिए। तो आमंत्रण किसने दिया है? अद्वैताचार्य ने दिया है आमंत्रण। इसीलिए तो ये जो गौतमीय तंत्र का श्लोक है, तीन जगत से चुनको निवाहत्मान भक्ति भक्त रक्षा तुलसी जगत से चुनको निवा मित्रीते महात्मान भक्ति भक्त रक्षण है। यह गौतमीय तंत्र का श्लोक अद्वैताचार्य की ध्यान में आया, वहां लिखा हुआ है गौतम के तंत्र में कि केवल एक तुलसीगढ़ वहां गीता में तो भिन्न लंबी चौड़ी बात है, पत्र पुष्पम फल फल दिया, पत्र मिलाओ पुष्प मिलाओ जल मिलाओ फल मिलाओ, आजकल तो फल भी महंगे हो गए हैं, लेकिन यहां पर गौतम के तंत्र में तो ज्यादा शॉर्टकट मार दिया है। वहां पर तो कह दिया कि तुलसीगढ़ मात्र है केवल, और तुलसीगढ़ नहीं बहुत सारे तुलसीगढ़ नहीं केवल एक तुलसीगढ़, इसी एक वचन का प्रयोग है, बहुवचन का नहीं और द्विवचन का भी प्रयोग, एक वचन केवल एक तुलसीगढ़ ही यदि हो तो बहुत है, क्योंकि आजकल तुलसियां भी टिक के नहीं रहती है, वातावरण में कहा ना कहीं नष्ट होने लगती है, तो एक तुलसी पर्याप्त है, तुलसी का बात कर रहे हो केवल एक तुलसी दल के द्वारा जलस से चलो कोई लगा और खबरा का चल, लेकिन न हो तो भी चलेगा, इसीलिए वा शब्द का प्रयोग, वा का तात्पर्य विकल्प, वा संस्कृत भाषा में वा का प्रत्यय वैकल्पिक अर्थ में होता है, विकल्प का तात्पर्य है दो अधिक अच्छा अधिक अच्छा ही है, यदि हो तो ठीक है नहीं हो तो चलेगा, विकल्प है जरूर वो जरूरी नहीं है। तुलसी को मानते हैं जल से चुने गए और जनता भी बहुत बड़ा आधार नहीं, हम नहीं कहते कि आप कुंड के घट के घट भर के जो है विकल्प दे पानी, हम कहते हैं छोटा सा चुनू बन जाए, चुनू कहते हैं चुनू को चुनू के दवा, जनता थोड़ा सा चुनू मात्र और नहीं हो तो केवल एक तुलसी दल से विक्रम
हम बनते थे बच्चा बच्चा रहा इतना शानदार शिला को प्रदान करने से जो भगवान जनार्दन है जो अन्यथा साधारण स्थिति में शिव भगवान के द्वारा ही बचे उनके द्वारा भी नहीं जीते जा सकते त्रिलोक है तो वो भी अपने ऐसे भक्त के द्वारा जो केवल को तुलसी दल प्रदान करता है भावपूर्वक भावान जनार्दन है उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं नहीं 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 केवल जीत लिए नहीं जाते परंतु वो भगवान जनार्दन अपने आप को बेच डालते हैं अपने भक्तों के हाथ बेचने का तात्पर्य किसी गुलाम को लेता जाता गुलाम को जंजीर से पकड़ के जैसे बेचा जाता था पहले के जमाने में खास करके अफ्रीका उसी तरह से यहाँ पर भगवान अपने आप को बेच देते हैं गुलाम बन के अपने आप को बेच देते हैं विक्री लीजिए क्रीम का तात्पर्य अपना क्रय कर देना क्रय का तात्पर्य बेचना है तो अद्वैताचार्य को उन्होंने समझा कि यदि मैं कृष्ण को यहां बुलाना चाहूं मुझे यही पद्धति अपनानी पड़ेगी तो इसी प्रकार आमंत्रण जब दिया और भावपूर्ण आमंत्रण था संसार कहते थे अद्वैताचार्य जब अद्वैताचार्य तुलसी दल के द्वारा कार्यक्रम किया किसी नाते के शांति पड़े तो उसने संसार के द्वारा विरक्त काकर होकर राधा श्री कृष्ण को पुकारा करते थे घर आइए आपका समय हो गया है अद्वैताचार्य भी बुलाने वाले हैं और अद्वैताचार्य भी वापस भेजने वाले हैं पूरी गौर लीला के प्रयोजक प्रायोरिटी ग्रेटर अद्वैताचार्य है वापस भेजने वाले हरी झंडी के रोड़े के लिए इसलिए चैतन्य चैतन्य के लीला में एक छोटी सी घटना है प्रतिवर्ष गौरी भक्त यानी बांग्ला भक्त आते थे बंगाल से उनकी मुखिया थे शिवानंद सेन जो कवि कर्णपुर गोस्वामी के पिता थे तो शिवानंद सेन के साथ समस्त बंगाली भक्त आते थे प्रतिवर्ष जगन्नाथपुर और जगन्नाथपुर जब आते थे तो एक बार ये अंतिम वर्ष ये 48वां वर्ष महाप्रभु की जीवन यात्रा 48वां वर्ष लास्ट ईयर ऑफ हिज पास्ट अंतिम वर्ष जब गौरी भक्त आए हैं तो अद्वैताचार्य स्वयं नहीं आए एक चिट्ठी में कुछ लिखकर भेजा और शिवानंद सेन को कहा इनको दे देना महाप्रभु को महाप्रभु के पास चिट्ठी आई चिट्ठी में एक पहेली लिखी हुई अब इस पहेली को केवल महाप्रभु और अद्वैताचार्य दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो पहेली का अर्थ समझा और किसी तीसरे को पता नहीं चला वहां अगल बगल बैठे हुए जितने भी लोग इस पहेली को सुन रहे थे किसी को पता नहीं चला पहली इस प्रकार की मूल बांग्ला का इसका प्रयोजन नहीं है हिंदी में बोल देता हूं पहली इस प्रकार की चावलों के व्यापारी टंडू क्योंकि बंगाल में तो चावल ही होते हैं गेहूं तो देखा नहीं जाता है चावलों के व्यापारी अभी तुम्हारे चावल का यहां कोई ग्राहक नहीं है ये जो हट है ये जो हाट है इस हाट में तुम्हारे चावल का कोई ग्राहक बचा नहीं इसीलिए बदली जाने का यह है कि तुम अपनी हाथ को बंद करो और अपनी चावल की थैली को लेकर चले जाओ महाप्रभु का समझ गए अभी कृष्ण प्रेम प्रदान लीला समाप्त हो चुकी है प्रत्येक जीव का कृष्ण प्रेम हो चुका है अब किसी को आवश्यकता नहीं होती इसे अब मेरा यहां रहने का कोई प्रयोजन नहीं है ये समझ गए चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम के सौदागर है व्यापारी वो समझ गए तो कहने का तात्पर्य यह है कि वही अद्वैताचार्य वही बुलाने वाले हैं क्यों क्योंकि तो आप गर्भ संहिता में देखें गर्भ संहिता में देखें तो गर्भ संहिता का जो प्रथम खंड है गोलोक खंड का जो पहला प्रथम तीन अध्याय है शिव ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी माता को साथ लेकर इंद्र आदि को 33 करोड़ देवता है 33 करोड़ देवता पृथ्वी माता और शिव और ब्रह्मा ये सभी जाते हैं कारणों कक्षा महाविष्णु नहीं पहले तो क्षीर रक्षा के पास भागवत में इतना विस्तार से वर्णन नहीं गर्भ संहिता में बड़ा विस्तार से गंगाचार्य जी ने वर्णन कर दिया तो वो सभी जाते हैं क्षीर सागर में और क्षीर रक्षा विष्णु उनको लेकर जाते हैं किस ब्रह्मांड से बाहर कारण समुद्र में जहां कारण रक्षा विष्णु है वहां पर कारण रक्षा विष्णु को जाके शिव ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं कि प्रभु आप स्वयं प्रकट होइए कंस जराशय शिशुपाल जैसे पापी लोग इस पृथ्वी माता को पीड़ित कर रहे हैं और आक्रांत कर रहे हैं पृथ्वी को वसुंधरा को और आपको वसुंधरा के पति वराह है वराह की पत्नी वसुंधरा आपको वसुंधरा के पति वराह है आप अपनी अर्धांगिनी का जप कैसे समझ कर रहे हैं तो कारण रक्षा महाविष्णु ने कहा लेकिन मैं तो परतत्व नहीं हूं चौंक गए शिव और ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता के पदार्थ सुनकर चौंक गए आप परतत्व नहीं हो
जो अद्वैत आचार्य है उनका एक ही काम रहा। और देखिए कारण रक्षाई महाविष्णु क्यों कहा गया अद्वैत आचार्य, क्योंकि कारण रक्षाई महाविष्णु ही है जिन्होंने देवताओं का कृष्ण के साथ परिचय करवाया। उसी तरह से यहां पर अद्वैत आचार्य ही है जिन्होंने जागृत जीवात्माओं को भगवान गौड़ांग महाप्रभु के दर्शन करवाए। यदि वो प्रार्थना नहीं करते तो गौड़ांग महाप्रभु कदाचित नहीं आते। इसीलिए यहां दोनों ही स्थानों पर कृष्ण लीला में गौ लीला में कारण रक्षाए महाविष्णु और अद्वैत आचार्य क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति है इसलिए दोनों का एक ही काम रहा है और वह श्री कृष्ण का पदार्पण इस करवाना। तो इस प्रकार से जो है रघुनाथ गोस्वामी ने सब कल्प ध्रुव नाम का ग्रंथ है वहां पर श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य की स्तुति की है। और ये दूसरा सार जो है भट्टाचार्य के द्वारा रचित अद्वैत अष्टकम है, लेकिन वो अद्वैत अष्टकम बहुत लंबा है अभी हमारे पास थोड़ा समय नहीं है। इसीलिए सब कल्प ध्रुव में जो स्तुति है तीन चार श्लोकों में अद्वैत आचार्य की रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की है उसका यहाँ पर संक्षिप्त में विवेचन करेंगे। और यहाँ जानने का आवश्यक है कि चैतन्य चरितामृत आदि का प्राथमिक अध्याय में कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने की जो परंपरा चलाई तो देश क्या ये जो कृष्ण प्रेम का जो कल्प वृक्ष है जिसका रोपण उन्होंने इस जगत में किया, वृक्ष बिना बीज के तो उत्पन्न होता नहीं है। तो कृष्ण प्रेम रूपी जो कल्प वृक्ष है इसका बीज कौन है? कृष्णदास कविराज कहते हैं माधवेंद्र परिवार इसके बीज है। माधवेंद्र परिवार जो कृष्ण प्रेम का जो कल्प वृक्ष है इसके बीज है। वो बीज जब थोड़ा बढ़ता है तो छोटा छोटी सी लता के रूप में प्रादुर्भूत होता है, उसी लता का नाम है माधवेंद्र पुरी के शिष्य श्री ईश्वर परिपा। और वही ईश्वर वही जो कृष्ण प्रेम की जो कल्प रहता है वो जब एक सुदृढ़ आकार धारण कर लेती है तो उसका नाम चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वरपुरी के शिष्य है चैतन्य महाप्रभु से अनेक सारी शाखाएं प्रशाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं। और उस चैतन्य महाप्रभु क्योंकि जो कृष्ण प्रेम का कल्प वृक्ष है उसके ऊपर दो सबसे बड़ी शाखा है, एक नित्यानंद शाखा एक अद्वैत शाखा। इन शाखाओं को ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में परिवार कहा गया, जैसे अद्वैत परिवार नित्यानंद परिवार इत्यादि परिवार शाखाएं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की। तो जो अद्वैत परिवार है जो अद्वैत शाखा है अद्वैत शाखा अद्वैत आचार्य के पांचरात्रिक परंपरा की यदि बात करें यानी कि जो दीक्षा लाइन है इनिशिएशन लाइन दीक्षा लाइन की यदि बात करें मंत्र की जो परंपरा है तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पुत्र है अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र है अच्युतानंद गोस्वामी। अच्युतानंद गोस्वामी को छोड़ के जो अन्य पुत्र है अद्वैत आचार्य के उनको संप्रदाय से बहिष्कृत कर दिया गया क्योंकि वो चैतन्य चंद्र के सिद्धांतों को नहीं मानने वाले थे। इसीलिए ये भी कृष्णदास कविराज ने उल्लेख किया है। तो अच्युतानंद गोस्वामी प्रभु इन्होंने अद्वैत शाखा को आगे बढ़ाया। आज भी अद्वैत परिवार देखने को मिलता है। हमारा जो सौर है वो नित्यानंद परिवार नित्यानंद प्रभु की शाखा में आता है। तो जो अद्वैत परिवार है ये नित्यानंद परिवार का ये ऐसा तिलक है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 20 से 25 अलग प्रकार तरह तरह के तिलक है। सभी गौड़ीय वैष्णव का एक तिलक नहीं है शाखा भेद के अनुसार। ये जो तिलक है ये नित्यानंद और जाहर और जानवा परिवार इनका तिलक है। और जो अद्वैत आचार्य की जो परंपरा है उसमें जो तिलक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। वो जो बरगद होता है ना वट वृक्ष बरगद के पन्ने के समान बहुत बड़ा जो है इनका ये होता है। ये पूरा नाम इनका ऐसा हो जाता है। ये अद्वैत परिवार की पहचान है। और जो नित्यानंद परिवार है उनकी छोटी और पतली कुर्सी होती है नीचे ये। और श्यामानंद परिवार का भी अलग तिलक है। कई तरह के शाखा भेद के अनुसार तिलक में भी पार्थक्य है लेकिन है तो एक ही संप्रदाय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अद्वैत आचार्य महाप्रभु के जो दीक्षित शिष्य है यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य कौन है? इनका नाम आया है चैतन्य चरितामृत अंत्य विराम। यदुनंदन आचार्य है हिरण्य और गोवर्धन भजंगा कार्य हिरण्य और गोवर्धन भजंगा जो सप्त ग्राम के जमींदार थे 500 वर्ष पहले। और हिरण्य और गोवर्धन भजंगा मेरे भाई थे। इसमें जो छोटे भाई थे उनकी संतान एक ही संतान थी, बड़े भाई को कोई संतान नहीं थी। इतना बड़ा जमीन जायदाद बंगाल के जमाव थे हुसैन शाह उनके नीचे ये जमींदार दो भाई थे। पर संपत्ति अपार संपत्ति अनेक दास दासियां इनके महलों में सेवा करते थे। हिरण्य और गोवर्धन भजंगा के यहां
बंगाल के जो ब्राह्मण थे वो हाथ लंबा करके खड़े रहते थे भीख मांगने के लिए, गायक को बुलाते हैं क्या कहता होगा। रघुनाथ पुत्र है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी हिरण्य गोवर्धन मजुमदार के घर पर यदुवर्धन आचार्य के धर्म थे जन्म से, इनको खुद पुरोहित के रूप में रखा गया। यानी कि हिरण्य गोवर्धन मजुमदार के घर पर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उनका जो आचार्य ग्रह था उनकी सेवा के लिए यदुवर्धन आचार्य को रखा गया और उनको ये दक्षिणा देते रहते हिरण्य और गोवर्धन दोनों। और यदि यदुवर्धन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी के खुद पुरोहित, यदुवर्धन आचार्य अद्वैताचार्य से प्रत्यक्ष शिष्य है, अद्वैताचार्य से अष्टादशाक्षर गोदावरी की दीक्षा हुई यदुवर्धन आचार्य को और काम गायत्री की दीक्षा हुई, और यदुवर्धन आचार्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दीक्षा दी, रघुनाथ दास गोस्वामी के दीक्षा गुरु यदुवर्धन आचार्य है पांचरात्रिक परंपरा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अद्वैत परिवार के धर्म है। और यदि भागवत परंपरा को देखें तो रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु है श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। यानी शिक्षा, शिक्षा जो है शिक्षा और सिद्धांत की विचारधारा जो रघुनाथ दास की है रूप सनातन और स्वरूप दामोदर की, लेकिन दीक्षा उन्होंने अद्वैत परिवार के रघुनंदन आचार्य जी के पास ली है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी चूंकि अद्वैत परिवार में दीक्षित है इसलिए उन्होंने अपने स्वयं पत्र में अद्वैत आचार्य प्रभु की जो है स्मरण करता हूं जिनका कलेवर कहता है जिनकी अंग कांति कहती है। रुचि शब्द का एक अर्थ होता है अंग कांति, शुद्ध स्मरण रुचित प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु की रुचि यानी जो अन्न कांति है वह शुद्ध स्मरण के समान है। जिस प्रकार से नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु भी तत्व स्मरण के समान है उनकी अन्न कांति, उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य की अन्न कांति भी तत्व स्मरण के समान है शुक्रांत। लेकिन जैसे श्री हिमाचल ने पिता पर धारण करते हैं और श्री हाराई पंडित के पुत्र पद्मावती के पुत्र नित्यानंद प्रभु जैसे नीला पर धारण करते हैं उस प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य प्रभु सफेद वस्त्र को शुक्रांत को धारण करते हैं और गौर भक्ति जगत मानसन और गौर भक्ति यानी जो गौर प्रेम है गौर प्रेम में उनका जो मन है लंपट हो चुका जैसे लंपट व्यक्ति ये नहीं देखता ये स्त्री कौन सी है पराई स्त्री कौन सी है वो क्या जो है राग से अधीन होता है विधि का पालन नहीं करता शास्त्र विधि को नहीं देखता केवल राग के अधीन होता है। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य प्रभु लंपट है कृष्ण प्रेम में लंपट है कृष्ण प्रेम में समस्त मर्यादाओं को भूल जाते हैं बाबू की तरह बाबू की तरह बाबू की तरह आचरण करने लगते हैं गौर प्रेम में लंपट होता है। और उसका अनोखा उदाहरण है मध्य लीला चतुर्थ शताब्दी मध्य लीला का पहला और दूसरा अध्याय कि जहां पर नित्यानंद और अद्वैत आचार्य दोनों के बीच प्रेम फर्क हुआ है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो चावल और बदी को भय कर बाकी होकर पागल होकर गौर प्रेम इतने लंबत हो चुके हैं कि समस्त शिष्टाचार को भूल गए हैं गौर भक्ति का समापन। तत्पश्चात श्री अंतरंतन्य हस्त प्रेम कवि जन कृपा निर्भर गौर प्रेम प्रदाय श्री सीता प्रेम। देखिए गौरव वैष्णव संप्रदाय की यह परंपरा है यदि श्री राधा और कृष्ण की प्राप्ति करनी ब्रज में तो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होना पड़ेगा, लेकिन यदि चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति करनी है तो नित्यानंद के शरणागत होना पड़ेगा और नित्यानंद की प्राप्ति के लिए अद्वैत आचार्य के शरणागत होना पड़ेगा। इसीलिए वहां पर गौरतम दास ठाकुर प्रार्थना में जो कहते हैं कि आज जो अभी जो हमने पद लाया है कि दया करो सीतापति अद्वैत गोस्वामी हे सीतापति अद्वैत आचार्य हे सीता के पति अद्वैत आचार्य आपकी कृपा से ही नित्यानंद और चैतन्य दोनों की प्राप्ति होती है। बिना नित्यानंद की शरण लिए चैतन्य की शरण में यदि कोई चला भी जाए तो इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भाग कर चले गए चैतन्य महाप्रभु की शरण में जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु ने मरकट होगा भी कहते हुए लौटा दिया। थोड़ी देर के बाद पुनः जब पानी हाथी में नित्यानंद प्रभु से मिलकर रघुनाथ दास गोस्वामी तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं चलो अभी तू आया मेरे पास चलो
नित्यानंद ने कहा चैतन्य चंद्र मेरे संपत्ति है, मेरा घर है, मेरी अनुमति दिए बिना, मुझसे पूछे बिना, मेरे कृपा के लिए बिना तुम चैतन्य चंद्र की प्राप्ति करो, करना चाहते हो जो इसलिए चैतन्य चंद्र की प्राप्ति के बिना राधाकृष्ण की प्राप्ति असंभव और चैतन्य चंद्र की प्राप्ति नित्यानंद कृपा प्राप्ति के बिना असंभव, लेकिन नित्यानंद कृपा प्राप्ति अद्वैत प्राप्ति के बिना असंभव है, इसलिए अद्वैत का चालू ही जड़ है। तो यहां पर जो कहा गया है श्री अद्वैतारी है चार्य अनुसार है आप कलयुग के हृदय के ऊपर जो हत भाग्य है मंदाहा प्राणनाल वायु सर्वज्ञ करावसु के जन भागवत कहता है कि कलयुग के लोग हत भाग्य है, ऐसे हत भाग्य कलयुग के लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप कृपा के समुद्र है कृपा निधि गौरव प्रदान आय चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देते हैं लेकिन जो अद्वैताचार्य है वो गौरव प्रेम प्रदान करते हैं चैतन्य प्रदान करते हैं और चैतन्य प्रेम प्राप्त करने के बाद ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। गौरव प्रेम प्रदान आय श्री सीता आई रहा है वंदयाचार्य चैतन्य